department of cardiothoracic and vascular surgery. He is going to take हमने आज जो शुरू किया है एक नई टेक्निक है जिसको हम मिनिमल इन्वेसिव कार्डिक सर्जरी बोलते हैं। एक लेमन टर्म में अगर मैं आपको समझाना चाहूँ, हर एक पेशेंट एक चाहता है कि मेरे को कट छोटा से छोटा लगे, ना ही लगे तो बहुत अच्छा है। तो जब भी हमारे हार्ट की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें कैन वी हैव द माइक ऑन प्लीज। हेलो, जब हम सोचा जाता है कि किस तरह का ट्रीटमेंट है उसमें जो इंटरवेंशन आती हैं तो दो तरह की आती हैं। जो एक हमारे जो क्लीग्स हैं कार्डियोलॉजी में वो टैकल कर सकते हैं, अगर वहाँ टैकल नहीं होती हैं देन इट इज़ रेफर्ड फॉर बाईपास सर्जरी और वैल रिप्लेसमेंट। वैल की जो दिक्कत है या होल है हार्ट में उसको बंद करना है, वो सर्जरी के थ्रू बंद होते हैं। तो जब भी हम सर्जरी की बात करते हैं तो फर्स्ट थिंग पेशेंट के माइंड में आता है, अच्छा बहुत बड़े बड़े स्पेशली फॉर कार्डिक सर्जरी कि बहुत बड़ी बड़े कट लगेंगे एंड इट विल बी ए डिफिकल्ट काइंड ऑफ ए बॉडी में इंटरफेयर करें। जो नेचुरल 12 इयर्स इवन 18 के बारे में था कि इतनी स्पेशलाइज सर्जरी हम एक छोटे से फील्ड में कैसे कर पाएंगे। सो दैट वाज द मेन कांसेप्ट व्हिच वाज हिंडरिंग द डेवलपमेंट। दिस इज द स्टैंडर्ड टाइप ऑफ अच्छा लेफ्ट साइड ही इज अबाउट 28 इयर्स, ही इज वर्किंग इन न्यूजीलैंड। सो ही केम फ्रॉम देयर, ही बिलोंग्स टू पंजाब। And when we discussed, he wanted के मैंने वापस जाके काम करना है जल्दी, तो he opted for this. Europe और US में now people have started, especially valves and ASDs. Multiple blockages हैं, we decide upon the patient that उसमें कुछ criteria हैं जिसमें हमें choose करना पड़ता है कि which patient is suitable. So that is the thing. So advantage is this, that by conventional surgery, इफ यू सी कॉस्मेटिकली खराब हो जाते हैं तो उसमें एक बहुत बड़ा टैबू रहता है टू गेट द मैरिड, एक लंबा स्कार है और एक बड़ा ऑपरेशन हो चुका है। सो इफ यू कैन सी हियर देयर विल नॉट बी एनीथिंग, एवरीथिंग गेट्स कवर्ड विद द क्लोथ्स एंड इन मेल्स आल्सो इट्स अ स्मॉल इंसिजन। तो उसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। जो मेन बेनिफिट्स हैं, इट्स बेसिकली कॉस्मेटिकली वेरी गुड एंड जो आपका पोस्ट ऑप डिसकम्फर्ट है, जो पेन है या आपको एक रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट्स रहती हैं, जो मेन हम कन्वेंशनल जो फ्लैट बोन काट करके करते हैं, बोन जब कटती है तो दोबारा जुड़ने में हम स्टील वायर से उसको जोड़ते हैं, बट दोबारा जुड़ने में कम से कम 6 हफ्ते लगते हैं, 6 to 8 weeks इज द मिनिमम टाइम। और उस दौरान हम पेशेंट को बोलते हैं कि आपने कोई भार नहीं उठाना है, सीधे लेटना है, करवट नहीं लेनी, कोई जर्क नहीं लगे, स्पेशली वो पीपल हु ड्राइव कि वो 8 हफ्ते ड्राइव नहीं कर सकते हैं। सो दैट वॉज द बेसिक लैग एंड आपने सुना होगा कि वेन थोड़ा स्मूथ हो जाता है, रिकवरी इज वेरी अर्ली इफ यू टेक ए नॉर्मल रिस्क काइंड ऑफ।